आज बीजेपी का प्रजा आशीर्वाद यात्रा का कल आखिरी दिन है। अब महेश्वर मंडल सेवल्ला पार्लियामेंट में है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आ रहे, सब कास्ट और कम्युनिटी के लोग आ रहे और ये यात्रा बढ़ते जा रहा और कल आखिरी दिन है। और अब तक जो है मैं सिर्फ आशीर्वाद के लिए गया, वोट पूछने के लिए नहीं, मगर ये यात्रा जैसा बदल गया, ये कैंपेन यात्रा बदल गया, ये ज्वाइनिंग यात्रा बदल गया। हर गांव को गया तो हम आते ज्वाइन हो रहे, हर गांव में ज्वाइन हो रहे। कल ईद था, ईद के दिन, ईद के एक दिन पहले भी हमारे महालिंगापुरम गांव में एक पूरा गांव का गांव मुसलमान हमारे साथ ज्वाइन हुए, क्योंकि हम उन लोगों को ज़माने से जानते हैं और उन लोगों को मालूम कौन अच्छा आदमी है कौन गलत आदमी है जानते हैं, उन लोग ज्वाइन हुए। कल भी थोड़े लोग ज्वाइन हुए दावत के बाद। तो हर मज़हब का, हर कास्ट का लोग बीजेपी के साथ है। बीजेपी मानता ही नहीं कि कास्ट और मज़हब अलग है, जो देता उन लोग ही बोल रहे, जो बीएम क्या बोलते चावल देता है, 5 मुफ्त का चावल देता है, वो सबको मिलता है। वो बीजेपी का कई पॉलिसी देखो, और किसानों को देता वो सबको देते, ये उन्हें ये मज़हब का है ना तो ये कास्ट का है बोल के नहीं सोचते। कोई भी बीजेपी पॉलिसी ऐसा ही है। और यहाँ भी महसूस हो रहा कि मुसलमान भाइयों भी बदल रहा है बीजेपी से। हमारे सबसे बड़ा विनिंग है, सबसे बड़ा जीत है कि हम हर मज़हब के और हर कम्युनिटी के लोग हमारे को वोट करें। यहाँ पर हम तो प्रजा में घूम रहे, उन लीडर के पीछे घूम रहे। वो कैंडिडेट जो है पूरा स्कैम में है, लैंड स्कैम, पोल्ट्री स्कैम, पोल्ट्री फीड स्कैम। यहाँ पर मशहूर नाम तेलंगाना लल्लू बोल के है, क्योंकि वो चिकन फीड स्कैम के बहुत स्कैम्स कर चुके हैं बोल के कांग्रेस वाले भी बोले, असेंबली में बोले, गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, उसका कैंडिडेट स्कैम्स्टर है बोल के। और अब सीएम जो है जब पीसी सीता उन्हें भी बोला ये स्कैम्स्टर है। तो बीजेपी असली में शहर में बहुत मजबूत है और थोड़ा वीक है देहातों में, लेकिन ये टूर के बाद ऐसा महसूस हो रहा देहातों में भी जितना सिटी में शहर में जितना मजबूत है, देहातों में उससे बड़ा मेजॉरिटी आने का पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा था, बहुत अच्छा मिल रहा पब्लिक का रिस्पॉन्स। एक ही तरफ सिर्फ उन्हें लीडर के पीछे पड़ रहा, कौन सा लीडर, दूसरे पार्टी का, खुद का लीडर, क्योंकि उन्हें जब टीआरएस में था उसके साथ रूलिंग पार्टी में था, जब पुलिस को और एमआरओ रेवेन्यू ऑफिसर को इस्तेमाल करके इन लोगों के पीछे पड़ा कांग्रेस लोगों का पीछे, अभी इस तरफ जंप किया रूलिंग पार्टी में उसके पीछे करते नहीं, तो हर कांग्रेस लीडर के घर जाके अरे मेरे को मदद दे बोल के भीख मांग रहे। तो वही हालत हो गया ये कैंडिडेट का। जो कैंडिडेट है वो आप मजहब के नाम पे वोट रहे, इससे पहले बीआरएस से जीते, कुछ काम नहीं करे, आप बीजेपी से आ रहे, अच्छा क्या बुनियाद पे आ रहे हैं, पूछ रहे उन्हें सोच लेना क्या करा उन्हें ही ना प्रेस के सामने। मैं बोला किधर थे मजहब के नाम से पूछा मैं वोट नहीं, डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट भी मैं हम डेवलपमेंट के बारे में हम चावल दिए भी वोट नहीं पूछे, मजहब का नाम है। उन्हें बोल रहा मेरे साथ 4 लाख मुसलमान है, मेरे पास 2 लाख क्रिश्चियंस है तो मैं जीत रू, मजहब के नाम दे उन्हें इलेक्शन फाइट कर रहा हम लोग मजहब के साथ। वो है कम्युनल पॉलिटिक्स, वही है कन्फ्यूज कांग्रेस और वो कैंडिडेट भी कन्फ्यूज, डिबेट को आना बोलते भाग जा रहा, चिकन आउट कर रहा। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया उसको डिबेट को बुलाए तो उन्हें भाग गया। मैं कोई डिबेट के लिए तैयार हूँ और उन्हें कौन भी इसको नहीं जानते, उन्हें सर्वे लगाया, सर्वे में क्या बताया आपका एमपी कौन है बोल तो 50% लोगों को एमपी का नाम नहीं, दूसरे थोड़े लोगों को मेरा नाम बता रहे, नहीं तो सुनीता महेंद्र रेड्डी नाम बता रहे। एमपी एक महिला है नहीं तो पुरुष है वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि 5 साल कुछ नहीं करा। डेवलपमेंट क्या करा मैं जो है 930 करोड़ का बीजापुर हाईवे लाया, उसको गवर्नेंस के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं, उन्हें सही भी समझ रहा उन्हें लाया, उन्हें एमपी 2019 के बाद हुआ ये रोड जो है अप्रूव हुआ 2016 और 17 में, उसको
नहीं जानते, नहीं करे और महसूस भी नहीं है कौन क्या करा। और जियो ट्रिपल वन निकाले बोले, वो जियो ट्रिपल वन लेके जियो 6 लेन हुआ, उसको किसी को फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हें फार्म हाउस कर लिया और उन्हें डेवलपमेंट हो रहा। क्या डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ बोल तो, मैं जब टीआरएस में था मोदी गवर्नमेंट मेरे को दिया वो डेवलपमेंट, अंडर पासिस ओवर ब्रिजेस अप्रूव जब हुआ, इन्हें एक काम भी नहीं किया और गाँवों में एक कदम भी नहीं लगा। ये गांव में एक बार भी नहीं आया और ये गांव तो थोड़ा रिमोट है, बाजू गांव अपना पेदेपुली नागारम में, वो सिटी के बाजू ही है, वो हाईवे बीच में से जाता, वहाँ भी एक बार भी, मैं 20 बार जा चुका हूँ, मैं 400 गांवों में मैं एमपी लाइट दिया, अभी भी एमपी है नहीं तो 210 गांव को हमारा बाथरूम क्लीनिंग ट्रक जाके अपना गवर्नमेंट स्कूल टॉयलेट क्लीन करके आते, अभी भी एमपी है 10 साल से हो रहा, उन्हें कुछ नहीं करा, सिर्फ स्कैम्स करा। यहाँ पर रियल एस्टेट बहुत महंगा है पूरा तेलंगाना में, तो रियल एस्टेट के पीछे, रियल एस्टेट करना है तो रूलिंग पार्टी में रहना, वही, और उसको कौन भी नहीं पहचानते।